हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज अपन कुछ डाउट्स आए थे पीछे के वीडियो में कि न्यूमेरिकल्स बताओ, तो न्यूमेरिकल्स आज अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अपना पहला न्यूमेरिकल्स जो है वो देखिए, टू पॉइंट्स चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिक्स ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी ऑफ साइड ए एच सो इन फिगर। तो आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ, गिवन है आपको एक ट्राइंगल। सॉल्यूशन फर्स्ट, आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ए बी और सी। तो इन तीनों की जो साइड है वो ए ए और ए है। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में क्या कहा है कि ए और बी पर क्यू जो चार्ज है वो ए और बी पर भी प्लेस्ड है। क्यू यहाँ पर भी है और क्यू यहां पर भी है। आगे क्या कहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड आउट करना है, किस पर, पॉइंट सी पर। तो पहले ए पॉइंट पर जो चार्ज है क्यू, उसके कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी ई वन, या फिर ई ए ले लेते हैं अपन। फिर पॉइंट सी पर, पॉइंट बी पर जो चार्ज है उस बी पर की जो डायरेक्शन वो ये होगी ई बी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो आउटवर्ड्स होती है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ई ए की जो वैल्यू होती है वो ई ए क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर की जो वैल्यू अपने पास क्या है, ए है, गिवन अपने पास। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल, ईच एंगल्स आर 60 डिग्री ऑफ ए ट्राइंगल। अब ई बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो भी के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। दोनों वैल्यू क्या है, सेम, ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट डायरेक्शन होने का कारण इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला होगा ई। तो E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है आप क्लास 11th में भी और 12th में भी दोनों जगह पढ़ा आपने, क्या होता है, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस टू आइस ऑफ ई ए ई बी कोस थीटा। अब ये वाला एंगल 60 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 60। तो कोस 60 थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या है, 60। तो E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई बी स्क्वायर प्लस टू ई ए ई बी कोस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। ये 2 से 2 कैंसिल, इतना उतारो। हाँ तो बच्चों आगे देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई ए ई बी। बट अपन ने देखा ऊपर क्या, ई ए और ई बी दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ई ए ई ए, मतलब ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर। ई ए स्क्वायर ये हो जाएगा ई ए, तो ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ई ए। ई ए का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ई ए। अब ई की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, रूट थ्री इंटू के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। यही अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू ए और बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में। ओके, ये था अपना पहला क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है तो आप बोल दीजिएगा। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। टू इक्वल स्मॉल बॉल्स हैविंग मास एम, इन दो बॉल है उनका मास क्या एम है, जो डायग्राम दे रखा है अपने उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखो आपके पास ये गिवन डायग्राम है, दोनों दो बॉल है इस तरह से, इनको सस्पेंडेड बाय द सिल्क थ्रेड्स, एक सिल्क थ्रेड जिसकी लेंथ है एल, सस्पेंड कर रखा है, जिन पर चार्ज जो है वो क्यू और क्यू है, लेंथ क्या है एल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है पढ़ने एक्स, क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस बिटवीन देम एक्स एंड द एंगल, इन दोनों का एंगल है बीच का वो अपने को दिया हुआ है टू थीटा थीटा थीटा, जो कि बहुत ही कम है, लेस देन लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल 10 डिग्री। इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड द डिस्टेंस बिट एक्स, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजिशन है तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है एक्स, तो इसको ये फाइंड आउट करने के लिए अपने ये देखो इस डायग्राम के अंदर इस बॉल पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना वो लगाओ, इस जो सिल्क थ्रेड्स है उसमें एक टेंशन फोर्स वर्क करेगा, ये एंगल थीटा तो इधर वाला ये भी क्या होगा थीटा, ये इसको मिड पॉइंट से डिवाइड करेगा तो एक्स बाई टू और एक्स बाई टू, तो टी टेंशन फोर्स जो है ये थीटा एंगल पर लग रहा है लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा टी कोस थीटा और इस तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा, और इसका जो मास एम भी गिवन है तो उस मास के कारण एम जी वेट फोर्स नीचे की ओर लगेगा, और इस क्यू के कारण इस चार्ज पर क्यू पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं कूलम फोर्स एफ, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो टी कोस थीटा जो फोर्स है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा जो है वो एफ को बैलेंस कर रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ, और एफ की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है, क्यू वन की वैल्यू क्यू है क्यू टू की वैल्यू भी क्यू है, तो क्या हो गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना एफ की वैल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट टी साइन थीटा अपॉन में टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी, टी से टी ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर एम जी, एम जी यहां ट्रांसफर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आगे क्या, ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू अपन यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, अपने पास ये दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से टेन थीटा, ये एंगल थीटा है तो थीटा के अपोजिट साइड ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा बेस, इसकी लेंथ कितनी एल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपना एक्स बाई टू अपॉन बेस क्या है एल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गए इक्वल हो गए, इक्वल होने के बाद दोनों को इक्वल पुट करते हैं, इतना उतारो उतार लिया, इसके बाद देखो ऊपर कर रहा हूं ये दोनों इक्वल कर देंगे तो x अपॉन में 2l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर एम जी, यहां से क्रॉस मल्टीप्ल x अपने को तो वैल्यू निकालनी किसकी है x की, x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो x की क्यूब इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, ये 2l है इधर डिवाइड में था इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो टू टू जा फोर, तो x की क्यूब इज इक्वल टू क्या आया क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 2πε0 mg,
अब क्यूब बटाएंगे तो इधर आएगा, तो क्या आएगा, क्यूब रूट, तो क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर 1/3, यही क्या होगी डिस्टेंस। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, ये लॉजिक समझाया आपको, इस तरह के आपके बुक में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चनों को इसी तरह मेथड से करना है। डी अगर आपको एक्स पूछा है तो एक्स निकाल दिया, ठीक है, क्यू चार्ज की वैल्यू पूछ ले क्यों क्यू कितना होगा, तो क्यू भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, और एल थीटा वगैरह आपको वैल्यू उसमें गिवन होंगी तो वैल्यू पुट करके अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बुक में कोई भी क्वेश्चन है अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप डाउट सेशन में जा करके कमेंट करिए वो न्यूमेरिकल, और आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही बता पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अपना ये था अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब अपना जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप उतार लिया तो ठीक है, जिसने नहीं उतारा है वो वीडियो को पॉज करके और फिर आप उतार ले। थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना किसका, प्रोटोन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मैं अगर इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, प्रोटोन रखता हूँ, न्यूट्रॉन रखता हूँ, अल्फा पार्टिकल रखता हूँ, तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा, उस एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है। तो मान लो पहले क्या, कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर क्यू चार्ज रख रखा है मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक फोर्स लगता है, कितना, क्यू इंटू ई, तो वो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स लगेगा। क्यू की जगह अगर क्यू इज इक्वल टू अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ई ई, ओके। दूसरी साइड एफ आपको पूछा क्या है, एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू अपन जानते हैं एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में एम, फोर्स अपने पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया ई ई अपॉन में एम। अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन ऑफ अपना पहला क्या है, प्रोटोन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन, तो प्रोटोन का एक्सेलरेशन देखते हैं, ए पी इज इक्वल टू प्रोटोन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, ई ई अपॉन में मास आ जाएगा एम पी, प्रोटोन का मास, जो कि इसको एम से डिनोट कर दिया, ओके। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को 1H2 लिखते हैं, मतलब इसका जो मास है न्यूट्रॉन वो ट्वाइस ऑफ एम पी इज मतलब ट्वाइस ऑफ एम, प्रोटोन का जो मास होता है उसके क्या होता है, डबल होता है, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, ई के इक्वल, तो मास एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ई ई अपॉन में ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं, प्रोटोन किसको बोलते हैं, प्रोटोन होता है 1H1, न्यूट्रॉन होता है 1H2, तीसरा क्या अपने पास, अल्फा पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं 2He4 को, मतलब मास जो होता है अल्फा का 4 into mp, प्रोटोन और मास का 4 गुणा होता है, 4 मल्टीपल इज इक्वल टू 4m, और चार्ज जो होता है q वो होता है ट्वाइस ऑफ e, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस ऑफ ई इंटू ई अपॉन में 4m, 2 2 4, तो एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ई ई अपॉन में ट्वाइस ऑफ m, समझ में आया, यही चीज है। अब आगे देखो इसको कैसे करते, आपको पूछा क्या रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, तो रेशियो निकालना है तो ए प्रोटोन इज टू ए न्यूट्रॉन इज टू ए अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा,
कितना है ई अपॉन में एम रेशियो ई अपॉन में ट्वाइस ऑफ एम इज टू ट्वाइस ऑफ ई, ये ना ई अपॉन में ट्वाइस ऑफ एम मतलब 1:1/2:1/2 तो कितना आया 2:1:1। यही क्या होगा अपना आंसर। तो ये थे बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको मैंने बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर आपको और भी मिलेंगे। जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है तो डाउट सेशन में डालिए, 2 या 3 न्यूमेरिकल भी, तो आपको उसका एक अलग से वीडियो मिल बना करके और आपके पास मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये थैंक्स फॉर दिस क्लास।